आदर्श समिति का आदेश, खुला मंच, मनपसंद रचना और अंत में भगवान कन्हैया की नटखट लीला। तो बिल्कुल आपके समक्ष भगवान भोलेनाथ की बारात प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चल के द्वार पर और भगवान भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर माता गौरा को बिहाने के लिए हिमाचल नगरी पहुंचते हैं। क्या बात है भैया। जैसे ही बारात हिमाचल नगरी के करीब में पहुंचती है, आप और हम देखते हैं, मन में एक जिज्ञासा होती है कि दूल्हा कैसा है देखा जाए। आज ऐसा ही हुआ। जैसे ही बारात महलों के करीब पहुंचती है, आज सारे नगर निवासी भगवान भोलेनाथ को देखने के लिए उतावले हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ को देखते हैं, इतना सुंदर रूप, गले में काले नाग डाले हुए, लंबे लंबे बाल हैं, जटाएं हैं, नंदी पर सवार होके आए हैं, बिल्कुल अद्भुत बारात क्या होता है। तो देखिए, आज सारी सखियां भगवान भोलेनाथ को जैसे ही देखती है तो क्या होता है। इधर सारी सखियां माता गोरा जी को किस प्रकार से सजाती है, श्रृंगार करती है, क्या होता है। क्या होता है।
और मन हर साई सारी सखियां माता गोरा का श्रृंगार किस प्रकार से करती है, क्या होता है? ओ जब बन गई है गोरा दुल्हनिया, 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 इतना सुंदर श्रृंगार किया है, देख थकती नहीं है नजरिया, देख थकती नहीं है नजरिया, देख थकती नहीं है नजरिया, और अरे गजरा लगा सवार बाले, सवार बाले, सवार बाले। और क्या हुआ? अरे ओढ़ी चुनरी गौरा ने लाल लाल अरे ओढ़ी चुनरी गौरा ने लाल लाल सुंदर सा मुखड़ा सजाया, माता गौरा जी का श्रृंगार होता है और आज सारी सखियां जब भगवान भोलेनाथ को देखती है तो आकर माता गौरा जी से कहने लगी, दीजी हमने ऐसा दूल्हा अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि भैया आजकल के दूल्हे तो बैंड डीजे और घोड़ा और लाइटिंग सब कुछ चाहिए, लेकिन हमारे भगवान भोलेनाथ कि ऐसी बारात है, ना कोई डीजे है ना कोई गाजे बाजे की बारात है, नंदी पर सवार होकर आए हैं, और ऐसा विकराल रूप जब सारी सखियों ने देखा तो सारी सखियां माता गौरा से कहने लगी, जीजी अरे ओ जीजी कैसा दूल्हा मिलो, जीजी अरे ओ जीजी बड़ी बड़ी दिल्ली बड़ी बड़ी
दादा गोरा जी को कहा, जी आप ऐसे जोगी बाबा के साथ कैसे ब्याह रचाओगी। देखिए कहती है सारी सखियां, गोरा तू तो है नादान, कैसे जाए उनके साथ, ऐसे जोगी बाबा के साथ कैसे ब्याह रचाओगी। सारी शिक्षा कहती है वो कैसे जाए उनके साथ, कैसे जाए उनके साथ, वो गोरा तू तो है नादान, कैसे जाए। लेकिन विधि का विधान आज भगवान भोलेनाथ और माता गौरा जी का विवाह संपन्न होता है। बोल भोलेनाथ बाबा की। समय का अभाव भैया, भगवान कन्हैया की नटखट लीला आप सुनने जा रहे हैं। मैया मैं तेरे लाल से हैरान हो गई, मट्टी बदल बदल के परेशान हो गई, मट्टी को फोड़ता है कंकरिया मार के, राह बदल बदल के परेशान हो गए। तो देखिए आज सारी गुजरिया दही भरी मटकी लेकर और दही बेचने के लिए चली है। इधर भगवान कन्हैया राहों में ही खड़े, जैसे ही गुजरियाओं को देखा आवाज लगाते कहा, ए गुजरिया पास आओ, दूर से का बात करो हो, पास आओ, पास आओ, दूर से का बात करो हो, तुम कत्ल करो हो कि करामात, ये कैसा सितम मेरे सरकार। सारी गुजरिया कहने लगी, क्या करते हो रोज मुझे पास बुला के, क्या बात है, क्यों मुझको परेशान करो हो। तो देखिए आज भगवान कन्हैया मटकी छीन लेते, माखन खा लेते हैं। सारी गुजरिया माता यशोदा के पास में शिकायत करने के लिए पहुंचती, क्या होता है, अरे मैया तेरो मोहन बड़ा चलिया, अरे मैया तेरो मोहन बड़ा चलिया, बाहों में हमें रोकता, बाहों में हमें रोकता, बाहों में करता है पता करता, बता रही हूँ कौन सा दगा करता है, अरे मट्टी यू छीन के भला करता है, बता रही हूँ कौन सा दगा करता है, मट्टी यू छीन के भला करता है, बता रही हूँ कौन सा दगा करता है, मट्टी यू छीन के भला करता है। मैं तो हार आज गुजरिया सारी शिकायत बतलाती है।
कहा मैया कहा मैया अरे कई बार इसने मक्की जो फोड़ी माखन पूरा खा गया सारी शिकायत बतला कर घर आती है और दूसरे दिन फिर जैसे ही जाती है भगवान कन्हैया को जैसे ही दूर से देखा आज राधा जी और सारी सखियां विचार करती है कि कन्हैया की नजरों से छिपकर चलना है और जैसे ही कन्हैया को देखा तो क्या होता है ठाकुर मंडल यहाँ पर आ जाए ठाकुर मंडल धावा कला तो देखिए क्या होता है हो वही श्याम आ गया और वो देखो दही श्याम खा गया खा गया खा गया खा गया और कहा मैया मैया अरे सर से पटक गई मेरी हमारे कुछ भैया लोगों की फरमाइश है कि लोकगीत हो जाए और वो भी कौन सा भैया ओरिजिनल गोंडी चाहिए बोले तो ओरिजिनल गोंडी लोकगीत हमारी भारतीय संस्कृति को ध्यान रखते हुए तो देखिए जैसे ही हमारे धावड़ी ग्राम में मेला लगा हुआ है तो एक साली अपने जीजा जी से जिद करती है
कहती है जीजा जी अरे नाखून भी ओ मेला हुड़ी ले हो ग्राम धावड़ी ना मेला ते ग्राम धावड़ी ना मेला ते नाखून मेला जीजा जी लेके आते हैं तो मेले में जैसे ही पहुंचते हैं तो साली जीजा जी से कहने लगी अरे काहे रे जीजान मनोले खेते साली से अरे लाल लाल साड़ी वाली ओ मेरी साली अरे लाल लाल साड़ी वाली